जो हूँ इसमें आदमियों में नहीं हूँ, नपुंसकत हो गया हूँ, लैंगिक शिथिलता है, उसको जानकारी अधकचरा ज्ञान होने के कारण वो ऐसा हो जाता है, इस प्रकार की समस्या आ सकती है। और वो 35 साल के नीचे समझो ऐसा होता है जी, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 35 साल जी, उसके नीचे होता है तो समझ जाना कि भाई ये साइकोलॉजिकल है, मानसिक कारणों की वजह से ऐसा हुआ है जी, उसके लिए शारीरिक कारण नहीं जी, मानसिक मानसिक। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि 35 साल के बाद में हुआ तो मानसिक नहीं है, ऐसा भी नहीं, मतलब मोटा मोटा हिसाब में आपको बता, एज के हिसाब से उसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, कि 35 साल के नीचे तो साइकोलॉजिकल कारण, मानसिक रूप से वो नपुंसक सकता है, उसको आगे ऐसा समझ जा सकता है, मतलब उसका उसका साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है जी जी। तो साइकोलॉजिकल कारण में भी वही है कि भाई एक तो बच्चे लोग भी नशा करते हैं जी, उसके वजह से उसको एक शराब पीना जी, स्मोकिंग से भी ऐसा होता है जी, और फिर रात रात जगना जी, और शादी होने के बाद में भी ऐसा टेंशन, बहुत प्रेशर जी। अभी ऐसा है कि आईटी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है नहीं जी, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना काम का स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर काम का है, और सुबह से लेके शाम तक मतलब काम करो, दौड़ो, भागो, इधर जाओ उधर जाओ, फिर कंपटीशन, टफ कंपटीशन है, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस काफी आता है जी। और स्ट्रेस आने के बाद में वो ऐसा घर आके एकदम थक जाता है जी। अब उसमें समझो उसने कोशिश किया जी, है ना, सेक्स करने की, तो उसको जमता नहीं जी, क्योंकि घर का टेंशन उसके सिर पर रहता, थकान उसके अलग से रहती, हावी रहती है, जमा नहीं, उसको फिर हो जाता है अभी कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जी। फिर दूसरा है कि एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस नाम की जो बीमारी होती है जी, है ना, टेंशन, चिंता रोग इसको हम बोलते हैं, तो वो बीमारी से नपुंसकत्व आ सकता है जी, डिप्रेशन की वजह से आ सकता है जी, है ना, कि निराशा है, निराश रोग है, डिप्रेशन है जी, उसकी वजह से आ सकता है जी। तो ऐसे कई मानसिक कारण है कि भाई पति पत्नी का नहीं पटता जी, और पति पत्नी का नहीं पटने से भी उसको जमता नहीं है जी, है ना, कार्यक्रम नहीं कर सकता, सेक्स नहीं कर सकता है, या फिर घर में काफी सारे लोग है, उनको प्राइवेसी मिलती नहीं जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही कमरा है जी, एक कमरे में पार्टीशन डाला है एक पर्दे का जी, उधर माँ बाप है, इधर लड़का और उसकी पत्नी है जी, तो उसमें फिर उसको इतना ये रहता है, मतलब फ्रीडम नहीं है, प्रेशर है जी, तो उसको वो नपुंसकत्व आ जाता है जी। तो 35 साल के नीचे समझे ऐसा हो गया तो उसको देखना पड़ता है कि भाई इसके दिमाग में क्या लोड है, क्या टेंशन है जी। कुछ गलत फहमियां भी रहती जी, गलत फहमियां कौन सी कि भाई मैंने हस्तमैथुन बहुत बार किया जी, करके अभी मैं आदमी में नहीं रहा जी, एक गलत फहमी है, और उसकी वजह उसको नपुंसकत्व आ जी। दूसरी और एक गलत फहमी है कि मुझे नॉक्टर्नल उसको एमिशंस होते हैं, मतलब सपन दोष बोलते हैं जी, ड्रीम्स में सपने में जी, उसका वीर्य बाहर निकलता है जी, तो सपने में मेरा बहुत वीर्य बाहर निकल गया जी, अभी मैं काम का नहीं रहा जी, इसलिए उसको आ सकता है, या संडास करने के समय, लेट्रिन जी करने के समय वीर्य बाहर निकलता है जी, तो उस समय तो मैं उसमें भी काम का नहीं रहा जी, या मैं कहीं वेश्या की तरफ गया था जी, मुझे अभी HIV हो गया जी, ऐसा उसको डाउट लगता है और मैं काम का नहीं रहा, या वेश्या के पास में जाता है, टेंशन दिमाग के ऊपर रहता है, उसको वहां जमता नहीं, फिर वो बोलती कि तू काम का नहीं, तू चले जा, फिर वो वेश्या ने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया उसको, तू काम का नहीं है, फिर आ जाता है। वैसे काफी सारे कारण है कि बच्चों, मतलब 35 साल के नीचे साइकोलॉजिकल ज्यादा कारण है, मानसिक रूप से कि उसको नपुंसकत्व आता है और वो काम नहीं कर सकता, मतलब समागम नहीं कर सकता या सेक्स नहीं कर सकता जी। और एक मतलब आगे जैसा आपने जो पूछा हो कि 35 साल के बाद में, 35-40 साल के बाद में पहली बार समझो ऐसा हो गया उसको जी, कि भाई अभी नपुंसकत्व आया हुआ है और अभी मैं अभी तक कर रहा था, अभी नहीं कर रहा जी, तो ये तो मानसिक कारण तो है ही जी, वो भी हो सकते हैं, बाद में फिर अपने को ये देखना पड़ता है कि शारीरिक कारण कुछ है क्या जी, बदन में कुछ तकलीफ है क्या, उसकी वजह से हुआ जी, तो उसमें ये होता है कि स्मोकिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, नंबर दो शराब पीने की वजह से होता है, ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इट इंक्रीजेस द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब शराब से क्या होता है कि सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है जी, मगर सेक्स नहीं कर सकते जी, तो अल्कोहल परफॉर्मेंस कम हो जाता है ना। फिर दूसरा है कि डायबिटीज है जी, डायबिटीज मतलब मधुमेह जी, शुगर की, शक्कर की बीमारी है जी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो खून जिसमें बहता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है जी, उसका अंदर का जो है ना जी, तो वो जो मतलब जहां से ब्लड फ्लो होता है जी, उसका आकार कम हो जाता है, इसलिए सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से वैसे ही ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन हो गया तो जी, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया जी, और उसकी वजह से होता है, या ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने की वजह से भी कुछ होता है जी। फिर कुछ लोगों को स्पाइन में, मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी में कुछ बीमारी हो गई या कुछ मार बैठ गया जी, तो उसकी वजह से वो कर नहीं सकता जी। तो ऐसे काफी सारे कारण हो सकते हैं
कि उसको ट्यूमर है जी, पीछे कोई गठा नहीं हुई है जी, या अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है उसकी वजह से नहीं कर सकता जी, या नसों में कोई कमजोरी आई हुई जी इसकी वजह से नहीं कर सकता, ऐसे काफी सारे कारण है जी। तो 35-40 साल के बाद में यदि कोई ऐसा आता है कि मुझे नपुंसकत्व आया हुआ है, मैं सेक्स नहीं कर पाता, तो उसमें हमको फिर देखना पड़ता है कि भाई उसको अभी और कौन सी दूसरी बीमारी की जिसकी वजह से नहीं कर पाता जी। फिर दूसरा और इसमें कि उसको मानसिक कोई बीमारी है, मनोविकार है जी, और उसकी गोलियां खा रहा है जी, जी। तो उसकी वजह से भी कभी कभी हो सकता है जी, सेक्स नहीं होता जी। तो ऐसा मतलब एक बार वो पेशेंट आ गया तो उसका पूरा असेसमेंट करके जी, उसका पूरा तपास करके देखना पड़ता है कि इसका कारण क्या है जी, जी। तो बाद में उसका इलाज